कि आपको नीट में कम मार्क्स है फिर भी आपको गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पॉट राउंड इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस एट लो मार्क्स। सो स्पॉट राउंड क्या होता है ये हम पूरे वीडियो में देखेंगे, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मेडिको प्रीत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो मोस्टली मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उसके पास जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप कोई भी न्यू वीडियो मिस नहीं करोगे। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करो एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हेल्पफुल ऐसे कमेंट करो एंड प्लीज मेरे वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट थिंग, स्पॉट राउंड मतलब क्या? तो ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा का काउंसलिंग होने के बाद में जो सीट्स बच जाती है उसके लिए स्पॉट राउंड लिया जाता है। सेकेंड थिंग, स्पॉट राउंड कब होता है? तो सारे काउंसलिंग के राउंड होने के बाद में गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पे डिक्लेयर कर देता है कि इन दो दिनों में स्पॉट राउंड होने वाला है, तो आपको उस वेबसाइट पे एक्टिव रहना है एंड फिर आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट राउंड कब होने वाला है। अभी थर्ड थिंग, स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो अगर आपने पहले कोई भी कॉलेज में, मतलब प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो, तो कोई भी कॉलेज में अगर एडमिशन लिया हुआ है तो आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जबकि आपका नंबर लग गया होगा बट आपने आप एडमिशन नहीं लिया है तो ही आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन जनरल अगर आपने पहले कहीं पे भी एडमिशन लिया हुआ है किसी भी कॉलेज में तो आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ थिंग, प्रोसीजर क्या होती है? तो अभी आपको पता चल गया कि इन दो दिनों में स्पॉट राउंड होने वाला है, तो जिन लोगों को स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करना है वो लोगों को हर एक कॉलेज में जाके अप्लाई करना होता है, क्योंकि जैसे कि नीट के लिए हर एक का फॉर्म, हर स्टूडेंट के लिए सेम ही फॉर्म रहता है, बट स्पॉट राउंड के लिए वैसे नहीं होता। हर एक कॉलेज का सेपरेट इंडिविजुअल फॉर्म रहता है, तो वो फॉर्म आपको कॉलेज में जाके फिलअप करना होता है। और हर एक कॉलेज की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, तो वो भी आपको कॉलेज में जाने के बाद पता चल जाएगी। तो आप जाने के बाद आपको वो फॉर्म लेना है, कॉलेज से कलेक्ट करना है, वो फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है, उसके बाद में उस कॉलेज की जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। जेरोक्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज वहां पे लगती है, ओरिजिनल नहीं लगती। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद मेक श्योर कि आपने अच्छे से फॉर्म फिलअप करा है, क्योंकि आपको जरूरत है, कॉलेज का जरूरत नहीं है। तो अगर कुछ गलती हो गई तो वो आपका फॉर्म डिस्कार्ड कर देंगे एंड इस मोमेंट पे कोई गलती वी कांट एफोर्ड, ठीक है? तो इसीलिए आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है, ऑफिस में एक बार ही चेक करके लो कि मेरा फॉर्म अच्छे से फिलअप हुआ है या नहीं एंड उसके बाद में आपको फॉर्म सबमिट कर देने हैं। तो अब जब दो दिन सब लोगों के फॉर्म सबमिट हो जाते हैं उसके बाद वो रात को एनालिसिस कर लेते हैं कि हर एक कैटेगरी के लिए कितने कितने सीट्स हैं एंड उस कैटेगरी में जिसको, जितने भी फॉर्म्स आए हैं उसमें से जिसको नीट में ज्यादा मार्क्स है उनको सिलेक्ट किया जाएगा एंड कितनी वैकेंसीज है उतने स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद में उस रात को ही वो लोग या फिर नेक्स्ट डे सुबह वो लिस्ट लगा देते हैं कॉलेज के बाहर कि इतने इतने कैटेगरीज में ये स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एंड कुछ कुछ कॉलेजेस कॉल्स भी कर देते हैं आपको कि आपने अप्लाई करा था एंड आपका एडमिशन हो गया है तो कल आके आप एडमिशन ले लो। तो ये होती है प्रोसीजर। अभी आपको एडमिशन कब लेना है? तो नेक्स्ट डे ही आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको पॉसिबल है तो आप मतलब ट्राई करो कि नेक्स्ट डे ही एडमिशन लेना है, क्योंकि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपसे कम थोड़े मार्क्स जिसको है उस स्टूडेंट को वो प्रेफरेंस दे देते हैं एंड इसीलिए आपको अगर नहीं पॉसिबल है तो आपको उनको कॉल करके इन्फॉर्म करना है कि प्लीज सर ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई या फिर ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम हो गई, कॉलेज आपसे दूर है, तो आप वैसा बता दो, इन्फॉर्म कर दो उनको कि मेरी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है एंड मैं अगले दिन आके पक्का एडमिशन लेने वाला हूँ, कन्फर्म एडमिशन लेने वाला हूँ। तो वो लोग बाकी लोगों का एडमिशन नहीं करवाएंगे, नहीं तो आपका ये सीट भी चला जाएगा हाथ से। तो आपको नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे एडमिशन लेना ही है। तो ये थी स्पॉट राउंड की प्रोसीजर। अभी आप कितने कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो? आप सभी, मतलब सभी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले थिंग ये है कि जब स्पॉट राउंड होगा तब हर एक कॉलेज अपने वेबसाइट पे हमारे कॉलेजेस में कितने कैटेगरीज के लिए कितने वैकेंसीज है वो डाल देते हैं, तो वो पहले आपको चेकआउट करना है कि आपके कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज है या फिर नहीं। अगर है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करने का। अभी कैसे करोगे? क्योंकि
कैंडिडेट नहीं लगता वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट चाहिए ही चाहिए फॉर्म सबमिट करते हुए, बस आपकी ये साइन लगती है तो वो आप साइन स्कैन करके भेज सकते हो जो भी आपका फॉर्म भरेंगे, एंड उनको आप डॉक्यूमेंट्स आपके व्हाट्सएप कर सकते हो, तो डॉक्यूमेंट्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो आप ऐसा कर सकते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, तो आप आपके फैमिली मेंबर्स को हर एक कॉलेज में भेज दो, मम्मी को एक कॉलेज में, पापा को एक कॉलेज में, तो ऐसे करके आप सारे कॉलेजेस कवर कर सकते हो। एंड क्योंकि दो दिन ही प्रोसीजर होती है स्पॉट राउंड की, दो दिन में इतने सारे कॉलेजेस आपको कवर करने हैं, तो सबको काम पे लगा दो एंड थोड़ा सा जुगाड़ कर लो, तो उसके बाद में आप सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज आपके कैटेगरीज के लिए जितने भी कॉलेजेस में वैकेंसीज है सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करो, बिकॉज यू नेवर नो आपका कहाँ पे नंबर लग जाएगा। ओके, सो अभी स्पॉट राउंड को अप्लाई करने में आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब कितने मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज स्पॉट राउंड के लिए जितने लोग अप्लाई करेंगे उसमें से जिसको नीट में ज्यादा मार्क्स है उनको एडमिशन मिल जाता है। जितने फॉर्म्स आएंगे उसमें से आपको कितने मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं, बट आप जस्ट क्वालिफाई होने चाहिए नीट में तो आप अप्लाई कर सकते हो स्पॉट राउंड के लिए। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीस आपको कितनी पे करनी पड़ती है। अगर आपका स्पॉट राउंड में सिलेक्शन हो गया है तो आपको कॉलेज की सारी फीस पे करनी पड़ती है, हर एक कैटेगरी का जो भी एडवांटेज होता है वो आपको स्पॉट राउंड में नहीं मिलेगा। ये हो गया गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला है एंड वहीं पे आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको आपके कैटेगरी का जो कंसेशन है वो मिलेगा फीस में, बट अगर आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप होगी आपके कैटेगरी के लिए वो आपको नहीं मिलेगी, एंड 4 साल आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी, कोई भी साल आपको कंसेशन नहीं मिलने वाला, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको कंसेशन मिलता है। सो ये थी स्पॉट राउंड की ऑल ओवर प्रोसीजर। अगर आपको इसमें से कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करो, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी एंड आपकी क्वेरीज सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूंगी। सो दैट वॉज इट अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज हेल्पफुल ऐसा कमेंट करो एंड इस वीडियो को लाइक करो, एंड ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र में स्पॉट राउंड के प्रोसीजर ही पता नहीं है, एंड उसकी वजह से बहुत सारे लोग ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके हाथों से छूट जाती है, एंड दैट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो अब से मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, इंपॉर्टेंट एंड एंटरटेनिंग वीडियोज आने वाले, तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, सो एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।